नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बापजी नेटवर्क वॉइस ऑफ एमपी। मैं हूं नवीन पाटीदार। शुरुआत करते हैं नीमच मंदसौर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की हेडलाइन पर एक नजर। नीमच में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला को बनाया टारगेट, भरे बाजार में गले से उड़ा ले गए सोने की चेन, क्षेत्र में फैली सनसनी तो आई पुलिस, अब खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। नीमच के सोशल मीडिया पर हो रहा है रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल, पीछे पुलिस आगे डीजे, घंटों चला लुका छुपी का खेल। नीमच पुलिस टीम ने मिलवाया 2 महीनों से लापता युवती को अपने माता पिता व परिवार से, भोपाल डायल 100 को मिली थी नीमच बस स्टैंड पर बैठी युवती की सूचना। नीमच में 70 लाख की लागत से बनेगा गैस आधारित एलपीजी शवदाह गृह, विधायक और कलेक्टर ने किया भूमि पूजन, पर्यावरण की सुरक्षा और लकड़ी ईंधन की होगी बचत। नीमच में माहेश्वरी और जैन समाज में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे एसपी कार्यालय, मामला गुमबाई रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे का। नीमच जिला अस्पताल को लेकर गरमाया मुद्दा, कृति संस्था के सदस्य किशोर जेवरिया ने स्थानीय नेताओं पर लगाया आरोप, बोले बदनाम कर दिया नीमच जिला अस्पताल को। नीमच में मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ की रामपुरा तहसील इकाई का गठन, मनीष चांदना बने तहसील अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की आवाज बुलंद करने की ली शपथ। नीमच पीडीएस राशन घोटाले में 8 लोगों पर मामला दर्ज, 3 गिरफ्तार, आपूर्ति निगम के उप महाप्रबंधक भी कर रहे हैं इस हाई लेवल मामले की जांच। नीमच के बाद मंदसौर में आया पीडीएफ चावल का मामला, लदूना रोड बालाजी ट्रक टोल कांटे पर पकड़ाए गेहूं, प्रशासन जुटा जांच में, पीडीएफ चावल की कालाबाजारी करने वालों में मचा हड़कंप। नीमच बंगला बगीचा समस्या के समाधान के बाद भी जनता को राहत नहीं, 41 सालों से 50,000 की आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, सरकार के मसौदे को नगर पालिका के अधिकारियों ने बदला। नीमच में सर्वराव समाज उतरा सड़क पर, मामला गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा सोशल मीडिया पर भाट जातीय पर अभद्र टिप्पणी का, उचित कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। नीमच जिले के प्रभारी मंत्री दीदी उषा ठाकुर नीमच दौरे पर, रामपुरा कुकड़ेश्वर में आयोजित करोड़ों रुपए के शिलान्यास कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रख्यात साहित्यकार और राजनीतिकार स्वर्गीय बालकवि बैरागी के 93वें जन्मदिवस पर कांग्रेसजनों ने श्रद्धा से याद कर उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया नमन, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े पदों पर रहे स्वर्गीय बैरागी। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में उपजों की बंपर आवक, पोस्तदाना में आई 4,000 रुपए की तेजी, अफीम किसानों के चेहरे पर छाई खुशी, लंबे समय से गिर रहे थे दाम। अब खबरें देखते हैं विस्तार से।